हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग? तो बच्चों, जो जो भी आप लोग ऑनलाइन हैं, है ना, लाइव चैट में जाकर सभी अपना अपना नाम लिखिए, है ना, लाइव चैट में जाकर सभी अपना अपना नाम लिखिए। चलिए जल्दी सा लाइव चैट में जाकर सभी अपना अपना नाम लिखिए। चलिए ठीक है, तो चलिए बच्चों हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों नीचे एक रेड कलर का बटन होगा, उसे जरूर से जरूर दबाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों घंटा बटन जरूर से जरूर दबा दीजिए, क्योंकि मैं जब भी अपने चैनल पे वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। और दोस्तों हो सके तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर। तो बच्चों कल के वीडियो में हम लोग पढ़े थे बहुपद के शून्यक के बारे में, है ना, और बहुपद के मान के बारे में पढ़े थे। और हम लोग ये भी पढ़े थे कि एक घातीय बहुपद का एक शून्यक होता है, द्विघातीय बहुपद का दो शून्यक होता है, त्रिघातीय बहुपद का तीन शून्यक होता है, ये सब हम लोग कल पढ़े थे। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है ना, वो टॉपिक है बहुपद के शून्यक एवं गुणांकों में संबंध। बहुपद के शून्यक एवं गुणांकों में संबंध ना, बहुपद के शून्यक एवं गुणांकों में संबंध। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि बहुपद के शून्यक और गुणांक में क्या संबंध होता है, है ना, बहुपद के शून्यक और गुणांक में क्या संबंध होता है। जैसे देखिए, अगर कोई बहुपद है ये 2x प्लस 1, तो ये 2 हो गया गुणांक, ये 1 हो गया, 1 भी हो गया गुणांक, मतलब अचर राशि। ठीक है, और ये जो हो गया एक्स बार माइनस 1/2, ये हो गया आपका शून्यक। ये क्या हो गया आपका शून्यक, इसका मान इसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम लोग पढ़ेंगे कि 2, 1 और इसके शून्यक में क्या संबंध है, 2, 1 और इसके शून्यक में क्या संबंध है, दोनों में क्या संबंध होता है, है ना, दोनों में क्या संबंध होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, है ना। आप लोग टेंथ के बुक में बहुत सारा फॉर्मूला देखे होंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाय ए, देखे होंगे बहुत सारा इस टाइप का। तो यही है संबंध, है ना, जहां अल्फा बीटा जो होता है वो द्विघात बहुपद का शून्यक होता है, और बी ए जो ये सब देख रहे हैं सी ए, ये क्या है, द्विघात बहुपद का गुणांक है। क्या है, द्विघात बहुपद का गुणांक है, द्विघात बहुपद का क्या है, गुणांक है। तो ये सब फॉर्मूला कैसे प्रूफ होगा, है ना, आज की वीडियो में हम लोग, है ना, ये सब फॉर्मूला को प्रूफ करने के लिए सीखेंगे, है ना, प्रूफ करने के लिए सीखेंगे। ठीक है, जैसे आप लोग देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर यह है एक्स प्लस बी, यह है एक घातीय बहुपद, ये क्या है, एक घातीय बहुपद, तो इसका एक शून्यक होगा, और है ना, शून्यक बराबर क्या होता है, माइनस बी बाय ए, माइनस बी बाय ए। ठीक है, ये द्विघात बहुपद है, ये क्या है, द्विघात बहुपद है, तो इसका दो शून्यक होगा, तो इसमें दो संबंध भी आया है। ध्यान से देखिए, एक घातीय बहुपद का एक शून्यक है, और तो इसमें एक ही संबंध आया है, है ना, शून्यक और गुणांक के बीच एक ही संबंध आया है। द्विघात बहुपद का दो शून्यक होता है, तो इसमें दो संबंध आया है, तो इसका संबंध, है ना, शून्यक और गुणांक का जो संबंध है, शून्यक और गुणांक का जो संबंध है, ये भी बहुपद के पावर पर निर्भर करता है, बहुपद के पावर पर निर्भर करता है। इसको भी आप लोग, है ना, याद रखिएगा, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, इसको भी आप लोग को क्या करना है, याद रखना है, ना, नीचे आप लोग कॉपी अगर नोट बनाते होंगे तो उसमें स्टार देकर लिख लेना है आप लोग को कि एक घातीय बहुपद के शून्यक और गुणांक के बीच एक संबंध होता है, एक घातीय बहुपद के शून्यक और गुणांक के बीच एक संबंध होता है, द्विघातीय बहुपद के शून्यक और गुणांक के बीच दो संबंध होता है, त्रिघातीय बहुपद के शून्यक और गुणांक के बीच तीन संबंध होता है, है ना, त्रिघातीय बहुपद के शून्यक और गुणांक के बीच तीन संबंध होता है, है ना, ये आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहला, है ना, टॉपिक रहेगा हमारा किसी एक घातीय बहुपद के शून्यक एवं गुणांकों में संबंध, है ना। पहले हम लोग निकालते हैं एक घातीय बहुपद का, है ना, एक घातीय बहुपद के शून्यक और गुणांक में क्या संबंध होता है, ये निकालते हैं, है ना, एक घातीय बहुपद के शून्यक और गुणांक में क्या संबंध होता है, ये निकालते हैं। ठीक है, चलिए मान लेते हैं, अभी देखें, माना कि, है ना, माना कि
पी एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी, जहाँ ए डज नॉट इक्वल टू जीरो, ए डज नॉट इक्वल टू जीरो। पी एक्स क्या है? एक एक घातीय बहुपद है। क्या है? एक एक घातीय बहुपद है। एवं लिख लेते हैं पी एक्स का शून्यक, पी एक्स का शून्यक, पी एक्स का शून्यक अल्फा है। पी एक्स का शून्यक क्या है? अल्फा है, है ना। पी एक्स का शून्यक क्या मान लिए हैं हम लोग? अल्फा। तो सिद्ध करना है कि, है ना, तो सिद्ध करना है कि, तो सिद्ध करना है कि, देखिए अल्फा बराबर, अल्फा बराबर माइनस बी बाय ए, अल्फा बराबर माइनस बी बाय ए, बराबर माइनस बी बाय ए, ठीक है। तो बी माइनस बी, तो बी क्या है? अचर पद। बी क्या है? अचर पद। बी कौन लोग बोलते हैं? अचर पद। इसको ऐसे भी हिंदी में लिख सकते हैं माइनस अचर पद। और बटे ए क्या है? एक्स का गुणांक। ए क्या है? एक्स का, तो लिख सकते हैं एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक, है ना, है ना। शून्यक और गुणांक के बीच का जो संबंध होता है, ये संबंध एग्जाम में भी पूछा जाता है, है ना, बिहार बोर्ड के एग्जाम में, है ना, बहुपद के शून्यक और गुणांक के बीच के संबंध से, है ना, बहुपद के शून्यक और गुणांक के बीच के संबंध से बहुत सारा प्रश्न पूछा जाता है। तो इसको आप लोग, है ना, दिमाग में रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो ये है ना एक घातीय बहुपद के शून्यक गुणांक के बीच यही संबंध होता है। क्या होता है? अल्फा बराबर माइनस बी बाय, मतलब अचर पद बटे एक्स का गुणांक। कैसे आता है, कैसे इतना आता है, ये हम आप लोग को प्रूफ करके दिखा देते हैं, ठीक है। देखें तो याद कीजिए, कल हम लोग पढ़े हैं, है ना, कल हम लोग पढ़े हैं, है ना, कि यदि पी एक्स कोई बहुपद है और ए कोई वास्तविक संख्या है, ए कोई क्या है? वास्तविक संख्या है, ठीक है। तो अगर ए का मान बहुपद में रख देंगे, है ना, ए का मान एक्स के स्थान पर रख देंगे, है ना, ए को एक्स के स्थान पर रख देंगे, और रखने से अगर बहुपद का मान जीरो आ जाता है, अगर बहुपद का मान क्या आ जाता है? जीरो आ जाता है, अगर बहुपद का मान जीरो आ जाता है, तो ए को हम लोग बोलते हैं शून्यक। क्या बोलते हैं? शून्यक। तो इसी प्रकार हम लोग देख सकते हैं कि अल्फा जो है इस बहुपद का शून्यक है, मतलब अल्फा जो है एक्स के स्थान पर रख देंगे, अल्फा जो है वो एक्स के स्थान पर रख देंगे, तो इसका मान क्या आएगा? जीरो आएगा। तो इसलिए यहां लिख देते हैं हम लोग यहां पे क्या, पी अल्फा बराबर जीरो, पी अल्फा बराबर जीरो। तो यहां देख सकते हैं कि यहां एक्स तो यहां भी एक्स, यहां एक्स तो यहां भी एक्स, तो हो जाएगा ए अल्फा प्लस बी बराबर जीरो, ए अल्फा प्लस बी बराबर जीरो। तो ए अल्फा बराबर बी प्लस में, तो इधर क्या होगा? माइनस में। ए गुना में, इधर क्या होगा? भाग में। तो आगे अल्फा बराबर माइनस बी बाय ए, माइनस बी बाय ए, माइनस बी बाय ए। तो बी क्या है? अचर पद। बी क्या है? अचर पद। और ए क्या है? ए क्या है? एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रूफ एक घातीय बहुपद का। तो ये हो गया आपका एक घातीय बहुपद के शून्यक और गुणांक के बीच का संबंध, है ना, एक घातीय बहुपद के शून्यक और गुणांक के बीच का संबंध। मेन होता है आप लोग का द्विघातीय बहुपद के शून्यक और गुणांक के बीच का संबंध, है ना, द्विघातीय बहुपद के शून्यक और गुणांक के बीच के संबंध से, है ना, एग्जाम में बहुत सारा प्रश्न आता है, बहुत सारा प्रश्न आता है द्विघातीय बहुपद से और त्रिघातीय बहुपद से, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपका प्रूफ, तो इसको आप लोग लिख सकते हैं द्विघातीय बहुपद के शून्यकों एवं गुणांकों में संबंध, है ना, द्विघातीय बहुपद के शून्यकों एवं गुणांकों में संबंध। तो हम लोग यहाँ मान लेते हैं, है ना, हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं, देखिए माना कि पी एक्स बराबर, पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कोमा ए डज नॉट इक्वल टू जीरो, ए डज नॉट इक्वल टू जीरो, एवं पी एक्स का, एवं पी एक्स का शून्यक,
पी एक्स का शून्यक अल्फा और बीटा है ना, अल्फा और बीटा है, अल्फा और क्या है बीटा है। तो सिद्ध करना है कि, तो सिद्ध करना है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय ए, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय ए, मतलब माइनस बी क्या है एक्स का गुणांक, तो लिखेंगे एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक और ए क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। और एक होता है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाय ए, तो सी बाय ए, सी क्या है अचर पद, अचर पद, अब बटे ए क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। चलिए तो यही होता है द्विघातीय बहुपद के शून्यक और गुणांकों के बीच का संबंध, है ना, शून्यक और गुणांकों के बीच का संबंध। एक होता है योग का संबंध और एक होता है गुणनफल का संबंध, मतलब एक मरते दोनों शून्यक को जोड़ेंगे तो आ जाएगा माइनस बी बाय ए, मतलब एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। और एक बार दोनों शून्यक को गुणा करेंगे, है ना, एक बार दोनों शून्यक को गुणा करेंगे तो आ जाएगा सी बाय ए, मतलब अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, है ना, सी बाय ए मतलब अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है, यही होगा। तो चलिए इसको हम लोग प्रूव करते हैं। तो यहां पे हम लोग लिखते हैं कि चूंकि अल्फा एवं बीटा, अल्फा एवं बीटा, अल्फा एवं बीटा क्या है पी एक्स का शून्यक है, है ना, पी एक्स का शून्यक है, पी एक्स का शून्यक है, क्या है पी एक्स का शून्यक है, इसलिए यहां लिखते हैं कि x माइनस अल्फा एवं x माइनस बीटा पी एक्स का गुणनखंड होगा, पी एक्स का ना गुणनखंड होगा, पी एक्स का क्या होगा गुणनखंड होगा। चलिए इसको हम लोग समझते हैं, है ना, कि अल्फा एवं बीटा पी एक्स का शून्यक है तो x माइनस अल्फा एवं x माइनस बीटा क्या होगा px का गुणनखंड होगा, px का क्या होगा गुणनखंड होगा। कैसे होगा देखिए यहाँ पर एक हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, थोड़ा सा हम लोग याद कीजिए आप लोग नाइन्थ में, है ना, द्विघातीय बहुपद त्रिघातीय बहुपद का गुणनखंड बनाए हैं, है ना, कि द्विघातीय बहुपद का गुणनखंड कैसे निकालते हैं और त्रिघातीय बहुपद का गुणनखंड कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे हमको देखना है द्विघातीय बहुपद का गुणनखंड, है ना, तो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, समझिए एक्स स्क्वायर और प्लस थ्री एक्स और प्लस टू, मान लीजिए ये कोई बहुपद है, है ना, कौन बहुपद है द्विघातीय बहुपद है। अब हम आपसे बोलें, है ना, अब हम आपसे बोलें कि इसका गुणनखंड निकालिए, क्या करिए इसका गुणनखंड निकालिए, तो हम लोग निकालेंगे एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू निकालेंगे। चलिए यहाँ से हम लोग x कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x प्लस टू, यहाँ से हम लोग 1 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x प्लस टू, अब यहाँ से हम लोग x प्लस टू कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x प्लस वन, क्या हो जाएगा x प्लस वन, तो इसका गुणनखंड आ गया x प्लस टू इंटू एक्स प्लस वन, ना x प्लस टू इंटू एक्स प्लस वन। अब थोड़ा सा इसके आगे जाते हैं, है ना, अगर इस दोनों को हम लोग जीरो के बराबर करते हैं तो x प्लस टू और x प्लस वन बराबर जीरो। अब यहाँ से अगर हम x का मान निकालते हैं तो x बराबर माइनस टू और x बराबर माइनस वन, x बराबर माइनस टू और x बराबर माइनस वन, तो माइनस टू और माइनस वन ये दोनों जो है इस बहुपद का शून्यक है। आप लोग माइनस टू भी इसमें रख के देख सकते हैं, माइनस वन भी इसमें रख के देख सकते हैं, माइनस टू भी रखेंगे तो जीरो हो जाएगा और माइनस वन भी रखेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, है ना, मतलब माइनस टू और माइनस वन, माइनस टू और माइनस वन इस बहुपद का शून्यक है, माइनस टू और माइनस वन क्या इस बहुपद का शून्यक है। तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि इसका गुणनखंड कितना है x प्लस टू और x प्लस वन, मतलब अगर शून्यक माइनस में है तो गुणनखंड क्या है प्लस में है, है ना, और शून्यक है x बराबर माइनस टू तो गुणनखंड क्या है x प्लस टू,
शून्यक है x बराबर माइनस वन, तो गुणनखंड क्या है x प्लस वन, है ना। शून्यक है x बराबर माइनस टू, तो गुणनखंड क्या है x प्लस टू। शून्यक है x बराबर माइनस वन, तो गुणनखंड क्या है x प्लस वन, है ना। तो उसी प्रकार यहाँ पे हम लोग लिए हैं कि अल्फा और बीटा, है ना, अल्फा और बीटा पी एक्स का शून्यक है, तो अल्फा बीटा प्लस में है, अल्फा बीटा क्या है प्लस में। तो जब अल्फा है पी एक्स का शून्यक, तो एक्स माइनस अल्फा क्या होगा पी एक्स का गुणनखंड होगा। बीटा है पी एक्स का शून्यक, तो एक्स माइनस बीटा क्या होगा पी एक्स का गुणनखंड होगा, है ना। अल्फा सिर्फ अल्फा है पी एक्स का शून्यक, तो एक्स माइनस अल्फा क्या होगा पी एक्स का गुणनखंड होगा। और बीटा है, है ना, बीटा है शून्यक, बीटा है शून्यक, तो एक्स माइनस बीटा भी क्या होगा पी एक्स का गुणनखंड होगा। मतलब अगर शून्यक प्लस में रहेगा तो यहाँ पर के बीच में क्या होगा माइनस होगा, और अगर शून्यक माइनस में रहेगा तो बीच में क्या होगा प्लस होगा। अब इसके बाद आप लोग समझिए कि अब अगर इस दोनों को गुना करते हैं, है ना, हम लोग इस दोनों को गुना करते हैं तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा, है ना। अगर x प्लस टू इंटू एक्स प्लस वन को गुना करते हैं तो क्या मिलेगा हमको, ये बहुपद मिलेगा, है ना, ये वाला मिलेगा। तो इसी प्रकार इसमें देखिए, अगर हम इस दोनों को गुना करते हैं x माइनस अल्फा और इंटू एक्स माइनस बीटा, इस दोनों को गुना करते हैं तो क्या मिलेगा हम लोग को, ये मिलेगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी मिलेगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो लिख देंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी मिलेगा, है ना। यहाँ पर लगा देते हैं के, के क्या है, तो के जो है एक कांस्टेंट है, अचर है, के क्या है कांस्टेंट है, है ना, के कांस्टेंट है, अचर लिया जाता है, ठीक है। चलिए तो आप लोग इसको कैसे लिखेंगे समझ गए होंगे, ठीक है। हम करते क्या है ना, इसको हम लोग गुना कर देते हैं, ठीक है, इस दोनों को हम लोग क्या करते हैं गुना कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका k इंटू, चलिए गुना करेंगे x गुना x, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर x गुना माइनस बीटा तो होगा माइनस बीटा x, माइनस अल्फा गुना x तो हो जाएगा माइनस अल्फा x, माइनस अल्फा गुना माइनस बीटा तो हो जाएगा प्लस अल्फा बीटा, प्लस अल्फा बीटा, ठीक है। और यहाँ क्या है दिया हुआ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना, क्या दिया हुआ है भाई, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। चलिए अब करते क्या है, यहाँ पे देखिए ध्यान से, के इंटू एक्स स्क्वायर, यहाँ से माइनस जो है ना, माइनस एक्स है ना कॉमन ले लेते हैं माइनस, तो हो जाएगा यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स होगा, और प्लस हो जाएगा यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। अब बराबर यहाँ लिख देते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। चलिए अब यहाँ देखिए, अब करते क्या, इसमें के से गुना कर देते हैं, तो हो जाएगा आपका के एक्स स्क्वायर माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस के इंटू अल्फा इंटू बीटा, के इंटू अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। चलिए अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे ये देखिए, है ना, हम लोग करेंगे कि यहाँ पर हम पद, है ना, जो पद दोनों तरफ जो पद हमको आया है ना, उस दोनों पद का कंपेयर करेंगे, क्या करेंगे कंपेयर लिखेंगे यहाँ पर, पदों को कंपेयर करने पर, है ना, पदों को कंपेयर करने पर, कंपेयर करने पर, है ना, पदों को कंपेयर करने पर देख सकते हैं, यहाँ x स्क्वायर के बगल में k, तो यहाँ x स्क्वायर के बगल में क्या है a, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका k बराबर a। यहाँ देख सकते हैं x के बगल में क्या दिया, माइनस k इंटू अल्फा प्लस बीटा, माइनस k इंटू अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ x के बगल में क्या दिया हुआ है b। अब देख सकते हैं अचर राशि यहाँ पर क्या आया है, अचर पद, अचर पद आया है के अल्फा इंटू बीटा, और इधर अचर पद क्या दिया हुआ है सी।
तो है ना, यहाँ से हम लोग चलते हैं देखते हैं माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है बी, माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है बी, माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा क्या आया है बी, ठीक है। तो के गुना में उधर क्या होगा भाग में, तो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय के, माइनस बी बाय के, ठीक है माइनस बी बाय के, तो माइनस बी बटे के किसके बराबर है ए के बराबर है, यहाँ देख सकते हैं के किसके बराबर है ए के बराबर, तो ए, तो ये हो गया आपका माइनस बी, मतलब आ गया बी क्या है एक्स का गुणांक, तो लिख देंगे एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक है ना, एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब दूसरा देखते हैं ना, दूसरा है अल्फा, क्या है दूसरा के इंटू अल्फा इंटू बीटा, के इंटू अल्फा इंटू बीटा, तो के इंटू अल्फा इंटू बीटा क्या दिया हुआ है सी, तो लिखेंगे यहाँ पर सी, ठीक है। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या आ गया सी बाय के, है ना, के गुना में क्या होगा भाग में, तो सी बाय के किसके बराबर है ए के बराबर है, तो अब सी बराबर, सी क्या है अचर पद, सी क्या है अचर पद, तो लिखेंगे अचर पद, अब बटे ए क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। ना सी क्या है अचर पद, ए क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो आपका आ गया अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाय ए, तो ये हो गया आपका है ना प्रूफ। इसको भी हम लोग घेर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही, अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।